आज खास इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में थे। योगी आदित्यनाथ जब बिहार में थे तो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और ऐसे वक्त पर योगी बिहार में थे जब पहले चरण के चुनाव के कुछ घंटे शेष रह गए। योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व वाले छवि के लिए जाने जाते हैं, और आज उन्होंने जिस तरीके से बिहार से हुंकार भरी है, मैसेज साफ था। लालू यादव और विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने टारगेट किया, नाम भले ही नहीं लिया लेकिन कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के पूजा के साथ, अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद लोग राम राम कह रहे हैं, लेकिन मेरा राम कहने का तरीका तजुर्बा अलग है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से वो कह दिया जिसकी उम्मीद पहले ही विपक्ष के नेता लगा रहे थे। योगी के तेवर के पहले ही लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था कि संविधान खत्म करने वाले लोगों को देश की जनता, गरीब लोग उनकी आंखें निकाल लेगी, लेकिन योगी आए तो लालू के इस बयान को तवज्जो नहीं देकर एक नया बयान दे गए, और योगी का यह बयान लालू और तेजस्वी को बेचैन कर सकता है। समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त में इस तरीके से देने का मैसेज क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी हैं, इनसे समझेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बिहार आना सियासी माहौल में, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब आए थे बिहार में तो इस तरीके के भाषा और भाषणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब माहौल चुनाव के बिल्कुल कुछ घंटे शेष के पहले बदलना है, और बदलने के लिए ये नया एजेंडा जो था आज इम्प्लीमेंट किया गया। राजीव जी, योगी जी को जिस भरोसे से लाया गया था वो भरोसा, वो मिशन सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा आज? ये तो चुनाव परिणाम बताएगा कि किसका मिशन सफल रहा और किसका विफल हो गया, लेकिन आज एक लेकिन तस्वीरें जो इस तरीके से चर्चा जो होनी थी इस चुनाव से के पहले, मतदान पहले चरण के मतदान के पहले बिहार की जमीन पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह कोई वो एक्सपेक्टेड था, और जब योगी आते हैं तो उससे लोग भी, उनको सुनने वाले लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसे शब्दों का यूज का वो इस्तेमाल करेंगे अपने बिल्कुल छवि के हिसाब से, वो छवि के हिसाब से कि लोगों के अंदर एक क्या कहते हैं नई ऊर्जा, नई ऊर्जा और भाजपा के साथ साथ हिंदुत्व को लेकर के एक नया जोश उत्पन्न हो, तो योगी इसके लिए, इसी के लिए जाने जाते हैं, और वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी भाषा जो होती है वो लोगों के सीधे अंदर जाती है, और जिसको भी निशाने पर लेते हैं योगी उसको भरपूर निशाने पर लेते हैं। आज ही जो उन्होंने कहा औरंगाबाद की सभा में, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले राम से शुरुआत की, वो बोले कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो रिश्ता है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा उसका घनिष्ठता उसके रिश्ते में इसलिए भी है कि राम थे उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से और सीता थी बिहार सीतामढ़ी से, तो वो पहले तो इस तरह के रिश्ते का ये किया, और पूरा हिंदुत्व की चाशनी में डुबोया हुआ उनका यह पूरा बयान था, और उसके बाद कहे कि हम भी उत्तर प्रदेश में पहले सिया राम कहते हैं, लोगों का अभिवादन करते हैं, और ये परंपरा बिहार में भी ये बहुत सदियों पुरानी परंपरा चल रही है। लेकिन योगी ने उसके बाद जो बिना किसी का नाम लिए हुए तमंचे और उसकी बात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर राम मंदिर की जो स्थापना की उसके साथ साथ वहाँ के गुंडों और माफियाओं को उसको अंतिम यात्रा पर उनको भेजने के लिए, राम नाम सत्य है कि यात्रा पर भी उनको मैंने भेजा है वहाँ। तो इस तरह की भाषा जो है वो कोई योगी के लिए, योगी के जुबान से कोई नई नहीं है। हालांकि इससे पहले भी इधर विपक्ष की तरफ से भी इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री को जेल भेजने और उनके कारनामों की जांच कराने की बात कही थी। तो भाषा का स्तर दिनों दिन, जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भाषा का स्तर बिहार में लगातार नीचे गिरता जा रहा है। देखिए, भाषा का असर के साथ ही राजीव जी, जिस मोटिव के साथ योगी आदित्यनाथ आए थे वो मिशन तो सक्सेसफुल रहा बीजेपी का। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें वो जिस चीज के लिए आए थे उन्होंने वो मैसेज दे दिया, बिल्कुल वो साफ कर दिए कि भाई
हम आए थे और एक बड़े समूह को हिंदुत्व और भगवा रंग में रंगना था हमको, और उनके मन में भगवा के साथ साथ हिंदुत्व की जो अलग थी वो जगाना था। उन्होंने भाषा के साथ जो शब्दों का चयन किया उसमें उन्होंने कहा कि हम अपराध के मामले पर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को कभी बख्शते नहीं है। और बिहार में तो विपक्षी दल के नेताओं को ही भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरा बिहार भाजपा के नेता या पूरे एनडीए के नेता, विपक्ष के नेताओं को ही भ्रष्टाचारी बताते रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी भले किसी का नाम नहीं लिए हो लेकिन निशाने पर तो वो विपक्ष के नेता दिख रहे हैं, उनके तेवर दिख रहा था बिल्कुल। और हम लोगों को यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि निशाने योगी के निशाने पर लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार था। तो ऐसे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल या जिस तरह की बयानबाजी बिहार में तेज हो रहे हैं, हमको लगता है कि गणेश ये तो पहला चरण का मतदान आने वाला है, अभी तो इसके बाद भी 6 चरण के मतदान बचे रहेंगे और आने वाले दिनों में यह भाषा का स्तर और नीचे गिरेगा। ये तो आज पहला एक्सपेरिमेंट था बीजेपी का, हो सकता है कि आने वाले वक्त में योगी को इसी तरीके से अन्य जगहों पर चुनावी जनसभा के लिए मौका दिया जाए और वो इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बोलने से कोई परहेज नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक की सफर में योगी आदित्यनाथ ने कई बार इस तरीके के बयान दिए जिससे कि आज देश के अंदर बीजेपी के अंदर कहें, देश की बात छोड़िए बीजेपी के अंदर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी चेहरे को सबसे ज्यादा भरोसा के साथ पसंद किया जाता तो वो शख्स योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व और जिस तरीके से इनके उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जिस तरीके से जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं या जिनके दामन पर दाग था उनका अंत बड़े ही विवादों में रहा है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आज कह रहे थे कि मैं उल्टा लटका देता हूं और जरूरत पड़ती है तो लाल मिर्च का पाउडर फेंकवाता हूं, और ये सीधे तौर पर ये टारगेटेड चुनौती थी बिल्कुल। और इसके साथ योगी के इस बयान पर प्रतिवाद उस पर उसको डिफेंड करने के लिए उन पर भी हमला शुरू हो गया। तेजस्वी ने भी योगी पर हमला किया, कहा कि सीएम बनकर घूमे फिरते घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम बनकर घूम रहे हैं बिहार में, लेकिन अपने लोगों को नौकरी देने के में वो सक्षम नहीं है। हमारी जो पहचान है, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बिहार में नौकरी दिए हैं। सीधे तेजस्वी का इशारा था, जो अभी जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बिहार में उसमें उत्तर प्रदेश के कई, योगी आदित्यनाथ आए थे तो उनके पास बिहार के सहित देश के नौजवानों के मुद्दे पर कोई बातें नहीं थी, भ्रष्टाचार अपराध गुंडे के मामले में या उत्तर प्रदेश के अंदर जो वो शासन चला रहे उसकी चर्चा वो कर रहे थे, लेकिन रोजगार के मामले पर चूक गए। रोजगार के मामले में और तो तेजस्वी इसको पकड़ के रगड़ रहे हैं। रोजगार के मामले में तो भाजपा का जो गारंटी कार्ड जो सामने आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो आई है, उसमें भी रोजगार की कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि उसमें कई स्टार्टअप की चर्चा की गई है, लेकिन उस स्टार्टअप से कितने बेरोजगार युवा जुड़ेंगे इसकी कोई संख्या का उसमें तो कहीं कोई जिक्र है नहीं। तो ऐसे में यहाँ जो चुनावी मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, जिससे रोज लोग जूझते हैं, रोज उसके उसके साथ उसके उसको दूर करने के लिए झेलते हैं उस पर जो लोग भीड़ भी जो उमड़ती है इनकी जनसभाओं में, वो कुछ पॉजिटिव बात सुनने के लिए भी उमड़ती है कि क्या सरकार जीतने के बाद अगर भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे, लेकिन वैसा कोई विजन प्रधानमंत्री की सभाओं में भी इस तरह का कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गारंटी है, कोई विजन थोड़े। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर वो है तो सब कुछ मुमकिन है, और बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं वो बयानों के लिए तो जाने जाते हैं बयानों के लिए। और आज केवल ये योगी आदित्यनाथ ही नहीं, मंच पर उपस्थित दो दूसरे और निचले पायदान के जो नेता हैं वो भी कमोबेश इसी प्रकार से विपक्ष को निशाने पर लेकर विपक्ष के क्रियाकलापों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन एजेंडे और मुद्दे के बाद केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ये तय है। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो मैसेज साफ था, बिल्कुल साफ है मैसेज। और इसको वो अपने मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए, भगवाकरण की जो राजनीति है उसको और मजबूत करने के लिए। लेकिन यहाँ गणेश मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिहार की धरती कभी सांप्रदायिक नहीं रही है, यह धरती समाजवाद की धरती कही जाती है, और यहाँ लोगों को भय दिखाकर वोट लेने की कभी कोई प्रथा नहीं है।
तो इस तरह के बयान का ये शायद हमको लगता है कि ये बिहार के लोकसभा चुनाव में इस तरह की बयानबाजी ये पहले वैसी नहीं होती थी और लोग मुद्दे पर आकर बात करते थे। आप पिछले चुनावों की भी चर्चा कीजिए, प्रधानमंत्री फिर भी आते थे तो रोजगार देने की बात करते थे, लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करते थे, 5 किलो अनाज की बात वो कर रहे हैं इधर मंचों पर। लेकिन उनके जो प्रधानमंत्री के बाद के जो नेता हैं वो इस तरह का मुद्दा बिहार में उठा ही नहीं रहे हैं। लगता है कि उनको बोलने की या तो पार्टी आला कमान की तरफ से कोई मनाही है, वो इन्हीं हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व और इस तरह के जितने मुद्दे हैं राम मंदिर, इस पर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बयानबाजी का ये है वो और नीचे स्तर पर गिरेगा। बहुत बहुत राजीव जी धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ का बयान बिहार की सियासत को नया रंग दे सकता है, हालांकि यह रंग कब तक वोटरों के मिजाज और मन पर चढ़ता है वो नतीजे तो 4 जून को मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल माहौल बनाने में योगी आदित्यनाथ आज सफल रहे। बीजेपी के मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हुंकार भरी, विपक्ष के सामने एक मुद्दा एक एजेंडा जरूर दिया लेकिन अपने लोगों को सार्थक जो मैसेज था वो भी देने में योगी आदित्यनाथ सफल रहे। आलोचना विरोध योगी आदित्यनाथ के बयानों के भले ही सियासत में हो जाए लेकिन योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा को यह पता है कि उनके बयानों का कितना मकसद था और इसका असर उनके वोटरों पर कितना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।